क्या आपके भी दिमाग में बार बार विचार आते रहते हैं? विचार ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, फिर भी आप इनसे परेशान रहते हैं, जूझते रहते हैं, दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें और एक दिन इतना परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल सर फटने लगता है। अनचाहे विचार बार बार आना और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो वीडियो खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन स्टेप जिनको आप अगर फॉलो कर लेंगे ढंग से तो आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती है, और अगर आप बिल्कुल बिल्कुल विलिंगली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं एक आयुर्वेदा एनोरेक्टल सर्जन हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेदा अनुसार ये जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, विचार बने रहते हैं, ये सारा वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि वात दोष के शरीर में भरने की वजह से होता है। तो जो ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा सिद्धांत है, वो वात दोष को शमन करने के लिए, वात दोष को बैलेंस करने के लिए ही हम करेंगे। तो जो तीन स्टेप है वो सारा वात दोष को कवर अप करेगा कि कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले स्टेप की, जो है डाइट में आपको ध्यान रखना है कि सूखा, बासी, ठंडा भोजन आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये वात दोष को बढ़ाता है। हमेशा स्निग्ध भोजन, यानी कि घी से, गाय के घी से भरपूर भोजन आप करें, बिल्कुल ड्राई भोजन अवॉइड करना है। तो आज से ही गाय का घी अपनी डाइट में ऐड करें और सूखा, बासी, ठंडा भोजन बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। योगा जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और शवासन, ये इतने बेनिफिशियल हैं कि तुरंत असर करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन भी करना शुरू कर दें 5 से 10 मिनट या 15 मिनट डेली, तो ये इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज से ही योगा मेडिटेशन को अपनाएं। थर्ड और फाइनल स्टेप है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्रिपेयर होती है, यानी कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, और उसमें जो ब्रेन रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है ब्राह्मी, और वात दोष को कम करने के लिए जो सबसे उत्तम औषधि है वो है गाय का घी। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक मेडिसिन बनती है जो है ब्राह्मी घृत, और ये आप लेंगे, आप 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से या गर्म दूध में आप लेंगे खाली पेट, तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाएगी कि आपको फर्स्ट डे से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अश्वगंधा अरिष्ट अगर आप लेंगे 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को, उसमें इक्वल अमाउंट में पानी मिलाएंगे खाना खाने के बाद सुबह शाम, तो ये और बेनिफिट ऐड करेगा। तो आज से ही ये सारे स्टेप फॉलो कीजिए और दिमाग में आने वाले उल्टे सीधे विचार से बिल्कुल परमानेंट छुटकारा पाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ पूछना है आपको वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।